तो कुछ किसान अब 2022 में बता के दिखाएंगे, कुछ किसान थे यहाँ पूरी यूपी थी। अच्छा हाँ, अब यहाँ धरना देकर बताएंगे कि यूपी में कौन सी सरकार आएगी। धरना देकर बताएंगे, जो जनता की मर्जी है, जो बीजेपी को नहीं चाहती वो बीजेपी को हराएगी। हम मोदी को ये कहना चाहते हैं, अपनी सरकार छोड़ के, कुर्सी छोड़ के चाय वाली दुकान दोबारा खोल ले, हमसे मत टकरा दो। वो तो उनकी है ना, और है तो दुकान वहाँ, तो दुकान अपनी जाकर चलाए ना, रिपेयर करवा दोबारा चलाए। वो प्रधानमंत्री है, अब चाय थोड़ी ना बेचे, जब पहले चाय बेची अब चाय बेचने को क्या है। प्रधानमंत्री बन गए ना, तो प्रधानमंत्री अब उठा भी तो देंगे। प्रधानमंत्री ने वो थोड़ी ले लिया पक्का ठेका, हमें जिंदगी भर मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। झोला उठाने देंगे, झोला भी यहाँ रख के छोड़ेंगे उनका, खाली हाथ जा, झोले में सब कुछ तो झोले में ही उनका। वो तो फकीर है, उनका हाँ? क्या करना है, उनका कोई घर में है ना? 15-15 लाख का सूट पहनना भी फकीर है वो। अब तुम शौचालय भी तो दिए हैं ना गांव में, तो शौचालय वो आपने देखे हैं जाके, शौचालय दिए हैं बने हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता खा गए विधायक सब, हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं। MSP पे गारंटी चाहिए। तो योगी कहाँ है, कृष्णा जी? तो योगी जी गुरु जी की टक्कर ले लेंगे, गुरु हैं योगी। कंगना का कहना है, तो कंगना पागल है, वो सो मेंटल है, उसकी कौन सी बात है। एक एक्टर है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, तुम कह रहे हो पागल है। वो तो बीजेपी की है, बीजेपी वाले उसको मर्जी दे, उनकी कौन सी बात है। अच्छा, बीजेपी की कंगना रनावत। हाँ भाई, कंगना रनावत ने कहा है कि मैं यूपी में राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचार करूंगी। तो वो किसानों से माफी भी तो मांग के आई है, फिर बाहर कहा भी तो है कि अगर मेरे कार्ड नहीं होते तो पता नहीं क्या करते। तो क्या करते जब किसानों को गलत बोले, जब किसानों को गलत बोले किसान इसके ऊपर वो विरोध करेंगे नहीं इसका। एक तरफ अंदर माफी मांगी, बाहर आके फिर दूसरा बयान दिया। अब इसकी अकल टकाने थोड़ी दवा दी गई है, इसको थोड़ी अकल टकाने इसकी आने वाली है। अब आगे कौन सी दवा है जो देना है, और दे देंगे जैसे मोदी जी को मिली वैसे इसको मिल जाएगी। मोदी जी को कौन सी दवा दी थी? मोदी जी को दी है दवा, अभी तो कानून तभी तो वापस लिए, दवा मिली इनको। नहीं मूवी देखते हैं जब से किसान आंदोलन चले। किसकी देखते हो हैं, किसकी मूवी देखते हो? मूवी जो सी आ जाए वो कंगना छोड़ के जिसकी आ जाए वो देख लेते हैं। अच्छा, कंगना रनावत को छोड़ के किसी की भी आ जाए। आप तो यूपी से हो, अभी यूपी इलेक्शन का चल रहा है माहौल। हाँ, वहाँ पे हिंदू मुसलमान होना शुरू हो गया है। आप तो बोल रहे थे कि हम बीजेपी, अब के जाए हिंदू मुसलमान हो जो मर्जी हो, पर बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। तो जनता अपने आप नहीं जीतने देंगे। कौन आप तो हिंदू को इकट्ठा कर रहे हो, वो जहाँ जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, जो मर्जी कर ले, राम मंदिर बना दे, जो मर्जी दे रहे, जो पेट्रोल इन्हें महंगा करा, सब कुछ महंगाई कर दी, पर जनता समझ गई है। मथुरा में भी तो मंदिर बनवा रहे हैं, तो मंदिर बनवा के करेंगे क्या रे, जब जनता इतनी परेशान है, हिंदू लोग इतने परेशान हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है इनको, हिंदू लोगों को इतनी महंगी सब चीजें कर दी है, तो मंदिर बन के क्या करेंगे। वो तो बीजेपी वाले कह रहे महंगाई बढ़ी नहीं है, तो पेट्रोल 200 रुपए हो गया, वो उनके बाप ने करा बोलते, वो महंगाई जितना रोजगार बढ़ा है ना उसके हिसाब से, तो रोजगार कहाँ बढ़ा, रोजगार के हिसाब से महंगाई बढ़ी है ना। हाँ, रोजगार हमें तो मिला नहीं कहीं यूपी में, तुम किसी को भी इंक्वायरी कर लो, किसी को भी नहीं मिली नौकरी। तो बोलते रहे कह तो रहे ना, तो कहने से क्या, वो तो हमें भी खालिस्तानी बता रहे थे, उनके कहने से क्या, मंदिर बनवाए चलो, वो तो अपने धर्म की बात है। राम मंदिर पे वोट भी दिया था, अब मथुरा के मंदिर पे वोट, आप लोग मंदिर पे वोट नहीं देंगे। हमें तो कोई अच्छी लगती जो किसानों के हक में बोले कि हमें लिए, तो वही अच्छी है। तो राकेश टिकैत जी को चुनाव लड़वाइए ना, क्यों हम राजनीति में नहीं आते, किसान नेता वो राजनीति में नहीं आना चाहते, क्यों राजनीति में नहीं आएंगे आप किसान नेता। एक तरफ कहते हो कोई पार्टी नहीं अच्छी लगी, और एक तरफ कहते हो हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में आएंगे भी, रुक के आएंगे, अभी जब बीजेपी को हरा के, बीजेपी को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के फिर देखेंगे। अच्छा, फिर किसानों की पार्टी आएगी, फिर किसानों की पार्टी आएगी, अब जो भी पार्टी बनेगी किसानों के हक में बोले बनेगी। अच्छा, जैन चौधरी जी कैसे लगते हैं? जैन चौधरी बढ़िया है, वो किसान नेता है। हाँ, तो वो यूपी में उतर रहे हैं ना, तो यूपी में उतर रहे हैं, वो विकास करेंगे तभी तो उनको दी जाएगी। गठबंधन किया है सपा से, सपा से करा जी, वो उनके कोई बयान आएगा, हम भी किसानों के हक में हम ये बोल रहे हैं तो हम उनके संग खड़ेंगे। अब तक कोई बयान नहीं आया, अभी तक तो उनका कोई आया नहीं, वैसे वो हैं किसानों के संग ही, उनने आंदोलन भी बहुत करे हैं यहाँ पे आके किसानों के संग। अरे नौकरी खत्म, आप पहले से कैसे कह सकते हो, तो अब लाल किला तो प्राइवेट होगा, लाल किला सरकारी का है, लीज पे दिया ना, किराए पे दिया है कुछ दिन के लिए, तो इनके पास जब धन नहीं बचेगा तो कहाँ से छुड़ा लेंगे जी। किराए पे दिया है कोई चीज, अगर घाटे में जा रही तो उसको प्राइवेट किया तो ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई, जो हमारे देश की जो निशानी है उसको जो बेच जा रहे हैं, वो उनको ठेके पे दे रहे हैं, जो इनकी सरकारी वाली बात है, जो तो लुटेरा मारना चाहते हैं, हिंदुस्तान में बेच दो ना, देश भी तो खाली पड़ा है, खेत हमारे खेतों में बेचना चाहते थे प्राइवेट, खेतों कहाँ बेच रहे थे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट सरकार वो उसकी प्राइवेट कंपनी बन जाती खेतों के ऊपर, जो वो कहेंगे हमें वही बोना पड़ता। नहीं, पैसे भी तो आपको पूरा कीमत मिलती है, क्यों कीमत मिलती, वो तो
वो जो बोलते बोलते वो एमएसपी भी देते ना, वो एमएसपी कहाँ मिल रही है? एमएसपी भी आप देंगे, मोदी जी दें तो सही है, नहीं तो आंदोलन करेंगे। हमें 2022 नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ आंदोलन करने दो, एमएसपी पे गारंटी मिलेगी, सही है, नहीं तो हम आंदोलन अपना कर रहे हैं। तारीख को देखो सरकार का जवाब आ सकता है, जो हमने चिट्ठी भेजी है सरकार को, जवाब आएगा तो हम एमएसपी पे गारंटी मिल गई, जो मुकदमे हुए वो तो हमने बीजेपी का लेखा लेके खा रखा, जो बीजेपी का देंगे साथ। मोदी ने कानून वापस ले लिया, तो कानून वापस ले लिया, हमारी मर्जी होगी जिसको वोट देना। मोदी का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्यों वोट हम नहीं करेंगे सपोर्ट? वो बीजेपी वाले करते हैं ना, जो मोदी ने पैसे देके 500 रुपए दिहाड़ी भेजे, हाँ पूरा दिन तुमने नारे लगाना। कितने सारे किसान तो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, तो उनसे वो आपने जानकारी करी 2500 रुपए का था क्या? 2500 रुपए पे किराए पे लाए थे ट्रैक्टर एक दिन के लिए। अच्छा तुम हाँ सरकार पूछा और अच्छा पूछा आपने, और हमारे पास वीडियो भी है, वो दूसरे फोन में है। अच्छा दिखा सकते हो वीडियो? कल को दिखा देंगे आपको, 2500 रुपए लिए हमने, वो खुद बता रहा। कल आना आप, कल को वीडियो दिखा दी जाएगी आप। तो अब क्या लगता है यूपी के किसान बीजेपी की तरफ झुकेंगे? क्यों झुकेंगे बीजेपी की तरफ? हम तो बीजेपी को झुका के छोड़ेंगे, हम बीजेपी के क्यों झुकेंगे? मतलब अब तय कर लिया है कि बीजेपी ने चाहे कानून वापस ले ले, चाहे एमएसपी बना ले, हाँ। बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी ने इंसाफ ही नहीं मिल रहा बीजेपी सरकार में, गुंडागर्दी हो रही बीजेपी सरकार में। वो तो बोल साफ चाहिए, लेकिन यूपी को गुंडा मुक्त राष्ट्र तो बना दिया, हमें तो दिख नहीं रहा। कहते तो है ना, तो कहने से क्या है? पोस्टर नहीं देख रहे हो आप? लगे हुए पोस्टर देखो ना, जगह पोस्टर हम लगवा देंगे, पोस्टर लगवाने क्या बहुत पैसे की खेल है, जहाँ मर्जी लगवा दो। इतने विकास हो रहे हैं, पोस्टर भी नहीं देख रहे हो? अरे बहुत पैसे की खेल है, जहाँ मर्जी लगवा दे पोस्टर। काम किया तभी तो लगवा, हमें तो दिख नहीं दिया काम, कहाँ करा हमें, ले चलो काम पे। जेवर एयरपोर्ट ले लो, हाईवे ले लो, कितने तो बनवाए, उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर दिया है, शौचालय बनवाए। तो गैस सिलेंडर आपने वो देखा है कितना महंगा कर दिया, तो सिलेंडर महिलाओं को धुएं से तो आजादी मिली ना, तो धुएं से आजादी मिली, जब पेड़ की आजादी ना मिली तो क्या होगा जनता का, जब महिला भूखी मर रही है गैस भरवाने के चक्कर में। शौचालय भी तो दिए हैं ना गांव में, तो शौचालय वो आपने देखे हैं जाके? शौचालय दिए हैं, बने हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता खा गए विधायक सब, हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं। 350 जो उनको 100 सीट भी मिल जाए मुझे कह दियो। तो पूरे मीडिया में चल रहा है, तो सर्वे तो 20,000 रुपए जिसको मर्जी मीडिया लोग हमारा कर दो वही मजदूरी, बताओ कब करवानी है आपने? अच्छा मतलब हम आपके चैनल में करवा देंगे सर्वे, सर्वे मिस कॉल वाली सर्वे है। अरे बहुत तो पैसा बढ़ती लग जाएगा, पैसे की खेल है ये तो मोदी जी की। अच्छा वो जिसको मोदी जी पे आप भरोसा क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री है, हैं दो बार जनता ने चुना है, आपको भरोसा क्यों नहीं? भाइयों बहनों आपके लाख में 15 लाख रुपए आए, आज 1,000 नहीं आ रहे हैं, 15 लाख क्यों आ रहे? अमित शाह ने बोल तो दिया था वो जुमला है, वो जुमला तो जुमले पे उनका हमारा विश्वास टूट गया, वो पूरी सरकारी जुमला है उनकी, तो उनकी कौन सी बात है? अभी किसानों को 2,000 रुपए भी तो दे रहे हैं। अरे वो हमारे तो आए नहीं खाते में, आप सर्वे कर लो ऊपर से लेकर नीचे तक, किसी के खाते में 2,000 रुपए आए।